टेली प्राइम को ओपन कर लीजिए अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेजर को कैसे क्रिएट करना है उसके बाद एंट्री कैसे पास करनी है वो देखेंगे तो यहाँ से गेट पे ऑफ टेली से क्रिएट पे एंड देन लेजर पे आपको आना है एंड यहाँ से जो हम लेजर क्रिएट करेंगे इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेस ये हम लेजर का नेम देंगे उसके बाद इसका आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है तो इसका हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस के अब ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये जो हम इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेस ले रहे हैं ये अल्टीमेटली हमारे कंपनी के लिए हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस हैं खर्चे हैं इसीलिए इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में नेक्स्ट है स्टेचुरी डिटेल्स इज जीएसटी एप्लीकेबल सो यस जीएसटी विल बी एप्लीकेबल सेट ऑल्टर जीएसटी में यस yes करना है एंड इसका एसएससी कोड होता है क्योंकि इंस्टॉलेशन सर्विस है तो इसका एसएससी कोड आपको फिल कर देना है डबल नाइन एट सेवन इसका एसएससी कोड है उसके बाद देखिए नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शन तो नेचर ऑफ़ ट्रांजैक्शन डिपेंड होता है कि आप किस एरिया से सर्विस ले रहे हैं अगर आप लोकल एरिया से सर्विस ले रहे हैं तो परचेज टैक्सेबल में क्रिएट कीजिए अगर आप इंटर स्टेट से सर्विस ले रहे हैं इंस्टॉलेशन की तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है अभी फिलहाल हम ये लोकल एरिया से लेने वाले हैं इसलिए हम परचेज टेक्सेबल रखेंगे इसके ऊपर 18 परसेंट टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस स्क्रीन को आपको सेव कर लेना है टाइप ऑफ सप्लाई में हम सर्विसेज लेंगे एंड इस लेजर को सेव कर लेंगे तो ये लेजर हमने यहाँ पर सेव कर लिया है नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे जिस पार्टी से हम ये सर्विस परचेस करने वाले हैं उसका लेजर हमें क्रिएट करना है जो हमारे सप्लायर होंगे सर्विस के तो देखिए यहाँ पे सुमन सर्विस सेंटर मैंने क्रिएट कर लिया है अंडर सन क्रिएटर्स के मेंटेन बैलेंसेस बिल बाइबिल में यस कर लेना है क्योंकि जिनसे हम परचेज करते हैं उनका लेजर हम अंडर सन क्रिएटर्स के क्रिएट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस आपको इस पार्टी का फिल कर लेना है स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड जी नंबर इस पार्टी का है तो वो आप फ़िल कर लीजिए एंड अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में अनरजिस्टर्ड कर लेना है तो इस तरीके से पार्टी का लेजर भी हमने क्रिएट कर लिया है अब जो टैक्स वाला लेजर होता है वो हमें क्रिएट करना है जो हम टैक्स अप्लाई करेंगे तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको टैक्स वाले लेजर को क्रिएट करना है तो यहाँ देखिए मैंने इनपुट सी जी एस टी एंड इनपुट आई जी एस टी का लेजर क्रिएट किया हुआ है आपको रखना है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देन जी एस टी करना है एंड सेंट्रल टैक्स इसी टाइप से आपको इनपुट एस जी एस टी का लेजर क्रिएट करना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जी एस टी एंड स्टेट टैक्स इस टाइप से टैक्स वाले लेजर को आपको क्रिएट कर लेना है हमने बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है चलिए गेट वे ऑफ टेली से हम भी प्रेस करके इसकी एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको शो कर देती हूँ तो यहाँ राइट हैंड साइड से आपको परचेज वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है आप देख सकते हैं ये आइटम वाइज जो मोड ओपन है इसमें हमें नहीं करना है इसमें हम गुड्स की एंट्री करते हैं तो राइट हैंड साइड से हमें मोड को चेंज करने के लिए चेंज मोड पे क्लिक करना है देन अकाउंटिंग इन्वाइस इस मोड को सिलेक्ट करना है इसमें हम सर्विस परचेज की एंट्री को करते हैं सबसे पहले आप डेट चेंज कर लीजिए उसके बाद जो सप्लायर का इन्वाइस नंबर है वो आपको फील कर लेना है तो डेट को मैं चेंज कर लेती हूँ सप्लायर का इन्वाइस नंबर हमने कर लिया है पार्टी अकाउंट नेम तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करके आप न्यू पार्टी का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास क्रिएट नहीं है उसके बाद पर्टिकुलर्स में हमें उस सर्विस को लेना है तो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेस का जो लेजर हमने क्रिएट किया था वो ले रहे हैं उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन तो किस मशीन का या फिर जिसका भी इंस्टॉलेशन सर्विस लिया है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंशन करना है अगर ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो ऐप ट्वेल्व प्रेस कीजिए एंड यहाँ शोम और कॉन्फिग्रेशन में यस कीजिए यहाँ आपको प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर इस ऑप्शन को जब आप यस कर देंगे तो वहाँ पे आपको लेजर के लिए एडिशनल जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने इंस्टॉलेशन करवाया है तो किस मशीन का करवाया है तो यहाँ डिटेल में आप कर सकते हैं तो सरपोर्स कीजिए हमने मशीन का इंस्टॉलेशन करवाया है आप चाहें तो मशीन का जो नेम है वो भी मैंशन कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर हॉइस्ट मशीन कर दी है जो कि वेट लिफ्टिंग मशीन होती है तो हॉइस्ट मशीन इंस्टॉलेशन जितना भी डिटेल में आप मार्क करना चाहें कर सकते हैं आप सपोज कीजिए आपने टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड जो भी अमाउंट दिया है इनवाइस पे मेंशन होता है तो आप यहाँ कर सकते हैं लेट सपोज हमने टेन थाउजेंड किया है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देते हैं लोकल सी लिया सी जी एस टी अप्लाई कर लेंगे यहाँ हमारा इनवाइस रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं टोटल जो इन्वाइस बना है इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड का बना है अगर आप इसका टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं राइट हैंड साइड से आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिलेटेड रिपोर्ट्स इस पर क्लिक करेंगे जी एस टी टैक्स एनालिसिस पे देन राइट हैंड साइड पे छोटा सा एरो शो हो रहा है इस पर डिटेल पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं टेन थाउजेंड के ऊपर नाइन नाइन परसेंट टैक्स रेट अप्लाई हो चुका है अगर आपको इसका प्रिंट प्रिव्यू देखना है प्रिंट पे क्लिक कीजिए करेंट पे एंड प्रिव्यू पे आप यहाँ से इसका प्रिव्यू भी देख सकते हैं तो आपके इन्वायस का प्रिंट रिव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा अगर आप इस एंट्री को एनालाइज करना चाहते हैं बैलेंस शीट में तो आपको गो टू पे जाना होगा देन हम यहाँ से बैलेंस शीट ओपन कर लेंगे एंड करेंट लाइबिलिटीज़ के अंडर में सेंट्री क्रिएटर्स के अंडर में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सुमन सर्विस सेंटर के नाम से एलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड का क्रेडिट साइड में अमाउंट शो हो रहा है इतना पेबल है इतना आपको पे करना है तो इस टाइप से जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया इस टाइप से आप भी अगर कोई इंस्टॉलेशन सर्विस चार्जेस लेते हैं वो ए सी का भी हो सकता है मशीन का भी हो सकता है किसी भी चीज़ का हो सकता है तो आपको इस टाइप से एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ रेंट डिपॉजिट सिक्योरिटी की एंट्री आपको कैसे पास करनी है टैली प्राइम में अब इसका मीनिंग मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ सपोज़ कीजिए आप ऑफिस रेंट पर लेते हैं गोडाउन रेंट पर लेते हैं तो आपको पहले वहाँ पे रेंट का जो सिक्योरिटी होता है वो डिपॉजिट कराना होता है लैंड को जो कि आपको बाद में मिल जाता है जब अपना जो ऑफिस है या फिर आप जो गोडाउन लेते हैं वो खाली करते हैं तो वो आपको बाद में मिल जाता है तो ये सारी चीज़ ये जो कंडीशनस है वो आपको कैसे एंटर करना है टेली प्राइम में जो रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लैंड को पे करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नमस्ते दोस्तों मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए सबसे पहले टेलीप्राइम को ओपन करके लेजर को क्रिएट कर लेते हैं तो लेजर को क्रिएट करने के लिए टेली प्राइम से आपको क्रिएट पे करना है एंड देन लेजर पे क्लिक करना है मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया है मैं आपको शो करती हूँ तो यहाँ देखिए सबसे पहला हम लेजर क्रिएट करेंगे रेंट सिक्योरिटी डिपोजिट का अंडर जो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है करेंट असेट्स करना है क्यों करेंट असेट्स करना है वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये जो पैसे आप देने वाले हैं जो सिक्योरिटी मनी देने वाले हैं ये आपको वापस मिल जाएगा इसीलिए इसका जो हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं करेंट असीट्स के करते हैं क्योंकि ये आपको वापस मिलने वाला है इसीलिए इसका लेजर हम इस ग्रुप के अंडर में क्रिएट करते हैं आई होप कि आप रिलेट कर पाए होंगे उसके बाद चलिए एंट्री कैसे करनी है तो गेट वे ऑफ टेलीस से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ पे हम पे कर रहे हैं सिक्योरिटी मनी रेंट की तो पेमेंट का वाउचर आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड जिस डेट में आप पे कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है सबसे पहले आप डेबिट करेंगे जो रेंट सिक्योरिटी डिपोज़िट जो मनी आप कर रहे हैं डिपोज़िट कितने अमाउंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डेबिट करना है सपोज़ कीजिए फिफ्टी थाउजेंड कर रहे हैं तो फिफ्टी थाउजेंड हम डेबिट कर देंगे एंड किस बैंक से आप कर रहे हैं वो बैंक आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि आप जो ये सिक्योरिटी मनी जमा कर रहे हैं रेंट की और नरेशन में आप जो लैंड लॉड हैं उनका नाम भी मैंशन कर सकते हैं सो दैट आपको पता चल सके कि किस लैंड लॉड को आपने ये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है तो यहाँ पे देखिए नरेशन मैंने मार्क कर दिया है अब इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं तो इस टाइप से आपको एंट्री पास करनी होती है रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी की अब मैं आपको शो करती हूँ अब ये जो हमने एंट्री कर ली है अगर इस एंट्री को आप बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट में कैसे देखेंगे चलिए हम चलते हैं टू में उसके बाद यहाँ से हमें बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है करेंट असेट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे करेंट असेट्स पे मैं क्लिक करती हूँ तो वो एंट्री हमें यहाँ पे शो होगी तो देखिए यहाँ पे करेंट असेट्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट फिफ्टी थाउजेंड डेबिट साइड में ये डेबिट साइड में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने ये जो सिक्योरिटी मनी है मनी है वो हमने डिपोज़िट कराई है आप सपोज़ कीजिए आप जब जो ऑफिस रेंट पर लेते हैं या फिर गोडान रेंट पर लेते हैं उसको आप कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं सपोज़ कीजिए आपने किसी भी रीज़न की वजह से जो ऑफिस है वो खाली कर दिया या फिर गोडान है वो खाली कर दिया तो लैंडलॉर्ड जो ये सिक्योरिटी मनी जमा किया है फिफ्टी थाउजेंड वो आपको वापस देगा तो वापस देगा तो उसकी एंट्री आपको कैसे बुक करनी है वो भी देख लेते हैं तो गेट पर आप पहले से प्रेस कर लीजिए आप वापस रिसीव करेंगे इसलिए रिसीव वाउचर को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप रिसीव करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे मार्क कर देना है अब देखिए पहले हमने क्या किया था जो रेंट सिक्योरिटी मनी वाला जो लेजर है पहले हमने किया था डेबिट अब हम करेंगे क्रेडिट तो यहाँ पे उस लेजर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेंट सिक्योरिटी डिपोजिट वाले लेजर को हम यहाँ पर करेंगे क्रेडिट एंटर प्रेस कर दीजिए एंड जो अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड हमने किया था तो फिफ्टी थाउजेंड हम रिसीव करने वाले हैं तो लेजर सेलेक्ट करके फिफ्टी थाउजेंड हम क्रेडिट कर देंगे एंड बैंक में हम पैसे रिसीव कर रहे हैं इसलिए हम अपने बैंक को कर देंगे डेबिट तो यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए एंड बैंक को सेलेक्ट करने के बाद हम कर लेते हैं बैंक को अपने डेबिट तो इस टाइप से मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया कि सबसे पहले अगर आप कहीं भी रेंट पे ऑफिस लेते हैं या फिर गुडान लेते हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है लैंड को जो कि आपको बाद में मिल जाती है जब आप ऑफ़िस या फिर जो घुटान लेते हैं उसको खाली करते हैं तो उस टाइम वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं तो वापस जब आप रिसीव करते हैं सिक्योरिटी मनी तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है दोनों एंट्री मैंने आपको बता दी है सिक्योरिटी देने की एंड सिक्योरिटी रिसीव करने की आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी अगर हेल्पफुल रही है तो मुझे इसी तरीके से अप्रिशिएट कीजिए सो दैट कंटिन्यू मैं अकाउंट्स की वीडियो लाती रहूँ एंड आप सभी को नए नए टॉपिक सिखाती रहूँ थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा वह मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब आपको वहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएगी आप प्ले लिस्ट भी वॉच कर सकते हैं प्ले आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो डेफिनेटली प्ले को वॉच कीजिएगा टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड डे बाय डे मैं मैक्सिमम वीडियोस को एंड टॉपिक्स को कवर करने की अपने चैनल में कोशिश कर रही हूँ स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर मैं भी मैं करती रहूँगी बस मुझे आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए एंड साथ चाहिए इसी तरीके से अपना सपोर्ट बना रखिए मेरे ऊपर एंड मेरे चैनल के ऊपर सो दैट इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर मैं वीडियोज लाती रहूँगी एंड आप सभी को अकाउंट्स का वर्क सिखाती रहूँगी तो आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी एंड हेल्पफुल लगी होगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़